आप सभी लोगों का डीके राठी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा मगध महाजनपद। मेरा नाम इंजीनियर डीके राठी है और मैं एक लेखक और शिक्षक हूँ। मैं आप लोगों को जो भी टॉपिक करा रहा हूँ इन लेक्चर्स में, वो करा रहा हूँ मैं आपको इस किताब से जो मेरे द्वारा लिखी गई है। ये 9th एडिशन है सामान्य अध्ययन का। स्नेहा पब्लिकेशन के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है और इसके अंदर 3300 क्वेश्चन हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2022 तक की परीक्षाओं के, उनको मैंने शामिल किया है। और NCERT आधारित होने के कारण यह किताब बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध है। आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे मैंने बताया, ये है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद के बारे में जो हमने अभी तक पढ़ाई करी है वो क्या है कि इससे पहले का मेरा आप वीडियो देखिए जिसमें मैंने 16 महाजनपदों का विवरण दे रखा है। 600 ईसा पूर्व के अंदर मुख्यतः उत्तर भारत के अंदर 16 महाजनपदों का उदय हुआ और उनमें से एक महाजनपद जो था वह था मगध महाजनपद। मैं आपको इसका ये दिखा देता हूँ चित्र, इसमें आप देख पाएंगे आसानी से। मगध महाजनपद जो था वह कहाँ पर स्थित था, ये हिस्सा जो है ये मगध महाजनपद का अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र जिसमें आधुनिक समय में जो बिहार है, झारखंड है और उससे सटा हुआ जो क्षेत्र है वो सारा का सारा इसके अधीन आता था। अब क्या कारण था कि जो अन्य राज्य थे, जैसे हम कहें यहाँ पर कौशल्बी राज्य था, महाजनपद जिसे कहते हैं, इसके अलावा यहाँ पर काशी भी था, इससे इधर की तरफ अवंती मध्य प्रदेश उज्जैन के अंदर और अन्य भी थे। तो 16 महाजनपदों में ऐसा क्यों हुआ कि मगध जो है वो इतना शक्तिशाली हुआ कि एक समय मौर्य शासन के समय पर इसका विस्तार जो है कर्नाटक से लेकर अफगानिस्तान और इधर बंगाल तक फैला रहा है। अखिल भारतीय स्तर का जो साम्राज्य है वो मगध महाजनपद के द्वारा ही स्थापित किया गया। इसके पीछे क्या कारण है, तो ये तो हम स्वीकार करते हैं कि मगध पर शासन करने वाले जो राजा थे, खास तौर से हरण्याक वंश के या नंद वंश के, वह बहुत ही योग्य और महत्वाकांक्षी थे। उनके कारण ऐसी नीतियां थी जिसकी वजह से इनको विस्तार में मदद मिली, परंतु कुछ भौगोलिक विशेषताएं थी जो मगध को अन्य राज्यों से अधिक लाभ पहुंचा रही थी। वह क्या थी, जैसे हम जानते हैं कि गंगा जी जो है वो विस्तार कहाँ तक है, उत्तराखंड से शुरू होकर और बिहार के राज्य के लगभग मध्य से होती हुई बंगाल और बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिरती है। तो गंगा जी के अंदर कई सारी सहायक नदियां हैं जो बिहार राज्य के अंदर गंगा जी में आकर मिलती है, यानी कि नदी प्रणालियां जो थी वह बहुत ही अधिक मात्रा में थी। और चूंकि ये भी हम जानते हैं कि जो मानसून की बरसात है, जैसे मानसून की बरसात की एक शाखा जो है वो आती है बंगाल की खाड़ी से, जिसकी वजह से जो बरसात है वह इस पूर्वी भारत के अंदर पश्चिम की तुलना में अधिक होती है, यानी कि कौशल है, अवंती राज्य है, इनकी तुलना में इस क्षेत्र में अधिक वर्षा है, जिसकी वजह से सिंचाई के लिए या कृषि सिंचाई के लिए आसानी से जल उपलब्ध होगा। और साथ ही साथ ये हिस्सा जो है नदी के किनारे का हिस्सा जो है या उसके घाटी का हिस्सा जो है जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी एक उपजाऊ मिट्टी है जिसे एलुवियल सोयल भी कहते थे, यानी कि इसमें लगान के रूप में अधिक आय राजा को प्राप्त होती थी, जिसकी वजह से एक बड़ी सेना का गठन करना संभव था। इनमें सबसे बड़ी जो लाभ की परिस्थितियां इनके लिए बनी वो थी कि ये जो हमारे यहाँ का क्षेत्र है जिसमें झारखंड, ओडिशा का क्षेत्र है, ये सारा का सारा वो क्षेत्र है जहाँ लोहे के अयस्क पाए जाते हैं। तो लोह अयस्क के निकट होने के कारण, यानी कि लोह संसाधन उपलब्ध होने के कारण, इस राज्य के मगध महाजनपद के अस्त्र शस्त्र वह भी बेहतर थे और कृषि के औजार भी बेहतर किस्म के बनने के कारण यहाँ पर उत्पादन भी अधिक होता था। इन परिस्थितियों की वजह से हमने देखा कि
मगध महाजनपद जो है वो बाकी महाजनपदों की तुलना में अधिक शक्तिशाली रहा और अखिल भारतीय स्तर पर इसने अपनी शासन स्थापित करा। यहां पर हम शुरू करते हैं कि मगध पर जो शासन करने वाले वंश हैं वह कौन कौन से हैं। जरा मैं एक पृष्ठभूमि आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट रहती है हर एग्जाम के लिए। आप लोगों को जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि आप लोग एक काम कीजिए कि जितने भी वंश हैं, जैसे हम मगध के बारे में पढ़ रहे हैं कि मगध के ऊपर शासन करने वाला जो अलग अलग वंश का शासन रहा उसे आप क्रमवार याद कर लीजिए। जैसे सबसे पहले जो है वह कौन सा था, वह था हरण्यक वंश। दूसरा कौन सा आया, इसके बाद आया शिशुनाग वंश। तीसरा वंश कौन सा आया, वह कहलाता है नंद वंश। चौथा कौन सा आया, फिर आएगा मौर्य वंश। और इसके बाद कौन सा आया, उसे कहते हैं सुंग वंश। तो कम से कम ज्यादा नहीं तो पांच तो शुरुआत के अंदर अवश्य कर लीजिए कि ये इनका क्रम है। तो अब जो हम आज जो हमारी पढ़ाई होगी वह आधारित होगी किस पर, इन दो पर, यानी कि हरण्यक वंश, शिशुनाग वंश और एक और नंद वंश। और इसी समय पर जब नंद वंश का शासन था तो भारत के ऊपर जो हमला है वह किसके द्वारा किया गया, भारत पर विदेशी हमला हुआ। हालांकि भारत पर पहला विदेशी हमला जो था ईरानियों का था, फारसियों का था, लेकिन पहला यूरोपीय हमला जो था वो किया था सिकंदर महान ने। तो सिकंदर महान का जो हमला हुआ उस समय पर मगध पर राज जो था नंदवंशी राजा धनानंद का था। तो अगर हम इसमें उस नंद राजा की कहें जिसने सिकंदर महान के समय पर मगध पर शासन किया तो उसमें आएगा धनानंद। ठीक है, ये हमारी पृष्ठभूमि होगी जिसके ऊपर आज हम अपने टॉपिक को पढ़ेंगे। यहां पर देखिए मगध पर शासन करने वाला पहला महत्वपूर्ण वंश कौन सा है, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं वह है हरण्यक वंश। हरण्यक वंश जो है इसे कहा जाता है पितृहंत वंश। पितृहंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिकांश शासकों ने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपने पिता की हत्या करी, ऐसा माना जाता है। इसीलिए इसको पितृहंत वंश के नाम से भी जाना जाता है, पैट्रिसाइड कहते हैं। मगध राज्य की तीन राजधानियां थी, ये भी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को अवश्य याद रखना होगा क्योंकि ये भी एग्जाम में आ चुका। जैसे पहली राजधानी थी गिरिव्रज, उसके बाद राजगिरी है और अंत में तीसरी राजधानी जो थी वह थी पाटलिपुत्र। ये ऐसा संबंधित क्वेश्चन जो है कौन बनेगा करोड़पति में आया था और जरूर संबंधित पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी मगध की राजधानी नहीं थी, तो इन तीन के अलावा जो है वह हमारा उत्तर होगा। इसमें पाटलिपुत्र के वास्तुकार का नाम दे रखा है कि पाटलिपुत्र का वास्तुकार कौन था, तो उसमें महागोविंद नाम के वास्तुकार का नाम आएगा। इसके बाद पहला जो इसमें सबसे शक्तिशाली राजा हुआ उसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए तीन पक्षीय नीति अपनाई। एक तो थी वैवाहिक संबंध, दूसरी थी शक्तिशाली राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना और तीसरी जो थी वो कमजोर पड़ोसी राज्य को विजय प्राप्त करके अधिग्रहण करना। इन तीन नीतियों के कारण ही बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक, यानी 50 वर्ष ले लिए, लगभग 50 वर्षों तक शासन करा। और चाहे भगवान बुद्ध हो और चाहे महावीर स्वामी हो, दोनों के दोनों ही इनके समकालीन थे और ऐसा माना जाता है दोनों को ही ये सम्मान प्रदान करते थे। अब इससे संबंधित में जो मैंने आपको पृष्ठभूमि बता दी वो भी हो गया और फिर आपको तथ्यात्मक कुछ पॉइंट याद करते हुए चलने होंगे, क्या कि इनको क्या कहा जाता है, उपनाम श्रेणिक या श्रेणिका कहा जाता है। और इसके अंदर बिंबिसार के पिता का नाम बताया गया कौन सी किताब में, दीपवंश। आपने देखा था कि श्रीलंका के अंदर बौद्ध साहित्य पर तीन पुस्तकें लिखी गई, दीपवंश, महावंश और कुलवंश। उनमें से दीपवंश में बताया गया इनके पिता का नाम। हमारे लिए एग्जाम के हिसाब से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
अगला आ गया क्षेत्रीय विस्तार की नीति। जो क्षेत्रीय विस्तार की नीति थी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो नीति थी वह कैसी थी, तीन पक्षीय नीति थी। तीन पक्षीय नीति का मतलब हो गया कि इसमें तीन पक्षीय नीति में हो गया एक तो वैवाहिक संबंध, और उसके बाद अपने कमजोर पड़ोसी राज्य को अधिग्रहण करना, उन्हें मिला लेना, और मैत्रीपूर्ण संबंध शक्तिशाली शासकों के साथ। वैवाहिक संबंध के अंदर तो हम देखते हैं कि जो कौशल नरेश था, जिनका नाम प्रसन्नजीत था। अब यहाँ पर पृष्ठभूमि, क्योंकि हमने पिछले वीडियो के अंदर बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ा है, तो लगे हाथ हम उस पॉइंट को भी क्लियर करते हुए चलें कि जिनका मैंने जिक्र किया आपको। हाँ, मैं आपको वहीं पर ही दिखाता हूँ जो मैंने कौशल के बारे में अभी आपको बताया भी था। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो नरेश थे, ये तो क्षेत्र हो गया मगध, और यहाँ पर सरावस्ती राजधानी के साथ था कौशल राज्य। कौशल राज्य का जो प्रतापी शासक था, नाम था प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत भी बौद्ध धर्म का या भगवान बुद्ध का अनुयायी था, और ये हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा उपदेश या सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार भगवान बुद्ध ने किया था कौशल राज्य में। और जहां प्रसन्नजीत ने भगवान बुद्ध को क्या दिया था, एक विहार भी उपहार या दान में दिया था, जिसको पूर्वाराम या पुब्बाराम के नाम से जाना जाता है। अब कौशल के, और इधर कौशल है, ये मगध है, और यहां पर क्या था, यहां पर कौशाम्बी में था राज्य महाजनपद, जिसका नाम था वत्स। तो समय बीतने के साथ कौशल राज्य ने वत्स का अधिग्रहण कर लिया, और साथ ही साथ यहां पर पड़ रही है काशी, उसे भी विजित कर लिया। बिंबिसार ने प्रसन्नजीत की पुत्री के साथ विवाह किया, और उस विवाह के फलस्वरूप प्रसन्नजीत ने काशी जो है वो मगध को भेंट में दे दिया। इस प्रकार से काशी जो है वो किसकी बन गई, मगध राज्य का हिस्सा बन गई। और स्वयं जो बिंबिसार था, बिंबिसार ने विजय प्राप्त करी यहां पर बिहार के भागलपुर में, जो महाजनपद था जिसका नाम था अंग, उस पर हमला करके बिंबिसार ने इसका अधिग्रहण कर लिया, और अपने पुत्र अजातशत्रु को यहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया। तो ये हमने देखा कि बिंबिसार के समय पर मगध जो था, मगध ने क्षेत्रीय विस्तार को नीति को अपनाया, और न केवल अपनाया वरन उसके अंदर सफलता भी प्राप्त करी। यहां पर उसके बाद है प्रसन्नजीत की बहन के साथ में विवाह, यहां पर दे दिया कौशल नरेश प्रसन्नजीत। विवाह में बिंबिसार को काशी उपहार स्वरूप प्रदान की गई। बिंबिसार की पत्नी जो चेलन थी, वो लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री थी। तो यानी कि यहां भी कौन सा है, ये है वैशाली राज्य, जो अगर हम कहें आधुनिक बिहार के अंदर वही क्षेत्र जो है ये वैशाली का पड़ेगा। यहां पर तो हमने कहा ये तो हो गया मगध, जिसकी राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र, और इसके उत्तर में ये था वैशाली, जहां पर चेटक का शासन था। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र के साथ भी उन्होंने, जैसे मैंने कहा, मैत्रीपूर्ण शक्तिशाली राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण एवं वैवाहिक संबंध बनाए। अगला पॉइंट जो दे दिया, वो दे दिया चेटक की बहन त्रिशला भगवान महावीर की माता थी। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हरियाणा लोक सेवा आयोग में। अब देखिए, जैसे हमने कहा बिंबिसार का विवाह किसके हुआ, वैशाली नरेश, संबंध वैशाली नरेश के परिवार के साथ, और वैशाली नरेश के परिवार का ही संबंध था महावीर स्वामी के साथ। इसलिए हरियाणा लोक सेवा आयोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा शासक भगवान महावीर का रिश्तेदार था। उत्तर होगा बिंबिसार।
बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ बिंबिसार का सवाल आया, भगवान बुद्ध की हमायु कौन था? तो हमायु के रूप में जो नाम आता है, तो संभवतः यानी कि समकालीन कह लीजिए ज्यादा बेहतर, तो हम बिंबिसार का नाम लेते हैं। बिंबिसार ने अंग राज्य को भी विजित करा, जैसे मैंने बताया था अंग राज्य जो भागलपुर जिले में, भागलपुर जिला है बिहार का, उसका क्षेत्र था, उसका अधिग्रहण करके अपने बेटे अजातशत्रु को शासक कर दिया। बिंबिसार के दरबार में राजवैद्य कौन था? जीवक। और जब हम पढ़ेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुयायियों में, या हमने पढ़ा है तो उसमें जीवक का नाम आता है, जीवक एक प्रसिद्ध राजवैद्य था। और इसके साथ साथ ही अगला पॉइंट दे रखा है कि बिंबिसार जो था वो का मत, बिंबिसार बौद्ध मत का अनुयायी था, तो यहां पर हम लिख देंगे बौद्ध, क्योंकि व्यक्तिगत जो इसकी मान्यता थी या जिस मत को मानता था वो था बौद्ध मत। और इसके लिए एक विलुवन विहार, ये भी बिहार में राजगीर में पड़ता है, विलुवन विहार, या फिर इसको वेणुवन विहार भी बोलते हैं, वेणुवन, ये भगवान बुद्ध को उपहार में दिया। ये जरूर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता था। अगला पॉइंट जो है, फिर देखते हैं क्या चीज दे रखी है। जो बुक है वो बुक के 175 पेज है, 9th एडिशन का, जो मैं इस टाइम फिलहाल आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अभी मैंने, हाँ सॉरी, मैं इधर चला, थोड़ा आगे चला गया। यहां देखिए, बौद्ध धर्म के अनुसार अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दिया। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र। जैन मत अनुसार बिंबिसार को कारावास में डाल दिया, जहां पर बिंबिसार ने स्वयं आत्महत्या कर ली। खैर जो भी कारण रहा हो, लेकिन अंततः ये जरूर रहा कि इसकी वजह से प्रसन्नजीत और अजातशत्रु, अजातशत्रु जो भांजा था प्रसन्नजीत का, दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ, जिसको मैं अभी समझाऊंगा। जो भी रहा, बिंबिसार की मृत्यु जो है संदेशपद स्थिति में हुई थी। अगला हो गया अजातशत्रु। अजातशत्रु को किस नाम से जाना? अजातशत्रु जो था एक कठोर शासक था, और जैसे कहा गया कि उसने अपने पिता को या तो कारागार में डाल दिया या अपने पिता की हत्या करके सत्ता या उत्तराधिकार प्राप्त करें। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता है। अब अजातशत्रु ने क्या किया? अजातशत्रु ने जब अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार किया, तो इसी से क्रोधित होकर प्रसन्नजीत, कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने काशी जो उपहार में दी थी उसे वापस मांगा, परंतु अजातशत्रु ने वापस करने के बजाय युद्ध की घोषणा करी, और दोनों पक्षों के बीच में संघर्ष के बाद समझौता हो गया, और अंततः अजातशत्रु ने काशी को अपने पास ही रखा। इसके अलावा काशी ने अपने नाना चेतक, जो कि वैशाली राज्य के थे, उनके साथ भी 16 वर्षों तक युद्ध किया, और बाद में, और 16 वर्षों के इस संघर्ष के बाद उसने नए किस्म के हथियारों का इस्तेमाल करके और राज्य में फूट डालकर अंततः वैशाली राज्य का भी अधिग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार से बिंबिसार की जो विस्तार की नीति थी उसे अजातशत्रु ने आगे बढ़ाने का काम किया। तो यहां पर इसके अलावा अन्य पॉइंट क्या है? अन्य पॉइंट ये हो गया, अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया। किस लिए राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया? क्योंकि भगवान बुद्ध की जो मृत्यु है वो किसके समय पर है? तो यहां पर देखिए, भगवान बुद्ध की मृत्यु, एक तो ये क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के। और जैसे हम जानते हैं, भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उनके शरीर के जो अवशेष थे उनको 8 हिस्सों में विभाजित किया गया, और इसीलिए, और क्योंकि जो हालांकि उनकी मृत्यु तो मल राज्य में हुई थी, मल महाजनपद में, परंतु अजातशत्रु ने भी कुछ अवशेष प्राप्त करे, जिसकी वजह से यहाँ राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया। और साथ ही साथ सप्तकर्णी जो गुफा है वहां पर प्रथम बोध संगति का आयोजन किया गया। तो राजगृह के अंदर प्रथम बोध संगति का आयोजन किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। अगला जो पॉइंट है वो उदयन का नाम आता है, उदयन या उद्भद्र। उद्भद्र का एक ही सवाल इंपॉर्टेंट है कि इसने एक नए नगर की स्थापना करी, पाटलिपुत्र। देखिए, राजगृह और गिरिव्रज जो थी पुरानी राजधानी, उन राजधानियों का भी लाभ मगध राज्य को मिला, क्योंकि वो 5 पहाड़ियों से घिरी होने के कारण प्राकृतिक किले की
रूप में रक्षा प्रदान करते थे। अब जहां सोन नदी गंगा जी में आकर मिलती है, मैं अभी आपको दिखा देता हूं, ये जो पाटलिपुत्र की स्थिति है, यहां पर जो देखिए ये गंगा जी है जो मैंने बनाया हुआ, और गंगा जी में आकर एक नदी जो है जिसका नाम है सोन नदी, ये आकर मिलती है। और गंगा जी और सोन नदी जहां मिलती है यहां पर ही पटना स्थित है, यानी कि पाटलिपुत्र। तो इसके इस महत्व को देखते हुए कि यहां पर आवाजावी का केंद्र था, व्यापार का भी केंद्र था, और नदियों का जाल होने के कारण सैनिकों की आवाजावी भी हो सकती थी, व्यापारियों का आवागमन भी अधिक था, इसीलिए एक नई राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना करी, जिसके वास्तुकार के वास्तुकार का नाम आपने इससे पहले अभी पढ़ा था, नाम था महागोविंद। अब उदयन के और अंतिम जो शासक था उसका नाम था दर्शक, उसकी हत्या कर दी शिशुनाग। शिशुनाग जो था यह भी एक शक्तिशाली राज्य था, और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसने अवंती को जीत लिया। अब यहां पर भी लगे हाथ एक पॉइंट मैं आपको बता दूं अवंती के बारे में। ये जो यहां पर हमने पढ़ा था बिंबिसार और जीवक का नाम, तो अवंती जो है ये उज्जैन राजधानी के साथ ये था अवंती। अब अवंती जो क्षेत्र है इसके पास भी छत्तीसगढ़ निकटतम क्षेत्र है, यहां पर भी लोहे के संसाधन है, और मगध जो है उसके पास भी लोहे के संसाधन थे। तो इसलिए मगध और अवंती राज्यों में लगातार संघर्ष रहा वर्चस्व को लेकर, और इस संघर्ष का अंत जो हुआ शिशुनाग के समय पर हुआ, जब शिशुनाग ने अवंती को मगध का हिस्सा बना दिया। और इससे पहले आपने पढ़ा था कि बिंबिसार का राजवैद कौन था, जीवक। तो बिंबिसार की और अवंती के चंद प्रद्योत का लगातार संघर्ष रहा, लेकिन जब चंद प्रद्योत अवंती का शासक बीमार हुआ तो बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को उपचार के लिए भेजा। यह कहानी का हिस्सा है। शिशुनाग के बाद उसका बेटा आया काल अशोक। काल अशोक के बारे में केवल एक ही महत्वपूर्ण बात है कि काल अशोक के समय दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, जिस बौद्ध संगति जो वैशाली में आयोजित की गई, और इस बौद्ध संगति के अंदर बौद्ध मत के मानने वाले लोग दो हिस्सों में बट गए, एक महासंगी कहलाए गए और एक थेरवाद कहलाए गए, जिनका मैंने जिक्र मेरी पूर्व की वीडियो आप लोग देखते रहना, जिसमें मैंने बौद्ध और जैन धर्म को बारे में बताया, वहां पर इसका उल्लेख किया। काल अशोक की के बाद अगला जो वंश था जिसका शासन आया यहां पर शासन करने वाला, वह वंश जो था अगला आया नंद वंश। यहां पर नंद वंश का जो शासक था वह एक प्रतापी शासक हुआ जिसका नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद को ब्राह्मण ग्रंथों में निम्न जाति का या नीच कुल का बताया गया है, इसीलिए उसने क्षत्रियों का नाश कर जब करके सत्ता संभाली तो उसने स्वयं को कौन सी उपाधि प्रदान करी, परशुराम की। तो यहाँ पर महापद्मनंद के अनेक उपनाम है, जैसे किन नामों से जाना जाता था, अप्रो परशुराम, सर्व क्षत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नष्ट करने वाला, एकारत यानी कि एक बड़े भूभाग पर का स्वामी, ऐसे उसने महिमा मंडित करने वाली उपाधियां धारण करी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीडीएस के एग्जाम में आया वो आया कि इसके दरबार में एक विद्वान था जिसका नाम है पाणिनी। पाणिनी वो विद्वान है जिसने व्याकरण के ऊपर पहली किताब लिखी, जिसका नाम क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ अष्टाध्यायी। इंपॉर्टेंट सीडीएस में एग्जाम में सवाल ये आया कि पाणिनी किसका समकालीन था, तो उत्तर होगा अष्टाध्यायी। यहाँ पर एक बात और आप लोगों को ध्यान में रखनी है, चीजों का कंफ्यूजन जब होता है उसे दूर करने के लिए जरूरी है किसी एक प्लेन पेपर पर आप उन सब चीजों को लिख लीजिए जो आप याद करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये जो पाणिनी है, पाणिनी ने पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी के ऊपर एक टिप्पणी लिखी, और जो टिप्पणी होती है उसे कहा जाता है भाष्य, इसलिए क्योंकि बड़ी थी इसीलिए इसका नाम पड़ा महाभाष्य। और इसका महाभाष्य और इसका जो लेखक है वो है पतंजलि।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमें क्या ध्यान रखना है, पे के साथ पे ही रहेगा, ठीक है। और पतंजलि किसका समकालीन है, पतंजलि जो है वो समकालीन है, शासक का नाम क्या है, पुष्यमित्र शुंग। तो यहां भी हमारे लिए पे के साथ पे आ गया, पुष्यमित्र शुंग। और पाणिनी के समय पर कौन आ गया, महा नाम क्या आ गया, महापद्मनंद, महा पद्मनंद, ठीक है। अब हम सूत्र कैसे बना सकते हैं, पानी पीने वाला, पानी पी के क्या आता है, आनंद आता है। और पानी ना मिले तो होश, अष्टध्यायी, अष्ट यानी कि बहुत कष्ट होता है। तो पानी, कष्ट और आनंद, इस तरीके से छोटे छोटे सूत्र बनाकर आप लोग अवश्य याद कर लीजिए। ध्यान रखे, कलिंग के चेदी वंश के नरेश खारवेल ने हाथी गुंपा अभिलेख में नंद शासक महापद्म नंद का उल्लेख किया है। ये क्वेश्चन तो हमने उसके अंदर भी पढ़ा कि जैन मत का एक प्रमुख पोषण देने वाला राजा जो था वो खारवेल था। और खारवेल जो है आधुनिक जो कलिंग है यानी कि ओडिशा राज्य जो है आधुनिक, उसका शासक था। और उसने अपनी सभी प्रमुख घटनाओं को एक गुफा के अंदर उत्खननित किया है या लिखवाया है, उसी को कहते हैं हाथी गुंफा अभिलेख। उसमें उसने महापद्मनंद का उल्लेख किया है। अगला जो शासक है वह कौन सा है, अगला शासक है धनानंद। धनानंद जो है ये किसका उत्तराधिकारी था, धनानंद महापद्मनंद का उत्तराधिकारी था। और ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार ये बहुत ही निर्दयी था और अपनी सजा पर कई प्रकार के ये शोषण की नीति अपनाकर उनका भक्षण करता था, जिसकी वजह से कौटिल्य नाम का एक ब्राह्मण वह इससे बहुत अधिक रुष्ट हुआ। और उसने आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेरित किया कि वो मगध राज्य पर हमला करके उसे जीते। और उस मामले और चंद्रगुप्त मौर्य की इस विजय के अंदर उसने अपनी कूटनीति का सहारा लिया। तो यहाँ पर महा धनानंद के बारे में जो पॉइंट आएगा, केवल इतना भर याद रखना है कि धनानंद के समय पर भारत पर जो हमला हुआ वो हुआ था किसका, सिकंदर महान का, ये ध्यान रखना, ठीक है। दोनों के बीच में युद्ध हो पाता इससे पहले ही सिकंदर ने हिमाचल प्रदेश तक वो आ गया था। अभी मैं आपको भौगोलिक नक्शे पर भी दिखाऊंगा, वो वहां तक वापस आ चुका था, लेकिन हिमाचल प्रदेश से फिर वो वापस हो गया। तो दोनों के बीच में जो युद्ध होने वाला था वह युद्ध जो है किसी कारणवश टल गया। क्यों, क्या कारण था, वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। और धनानंद के बाद, धनानंद को हटाकर मौर्य वंश की नींव किसने रखी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरुआत में मगध पर जब हमले किए तो वह असफल रहा, और बाद में चाणक्य ने जब उसे एक उदाहरण से स्पष्ट किया कि खिचड़ी उसने गरम गरम रखी प्लेट में और चंद्रगुप्त मौर्य को बुलाया और कहा कि इस खिचड़ी को तुम बीच में से खाओ। जब उसने खिचड़ी में बीच में उंगलियां डाली तो गर्म होने की वजह से उसे बाहर निकालना पड़ा, कष्ट हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने समझाया कि अगर मगध जो केंद्र में है उसे जीतना है तो पहले आसपास के राज्य को विजित करना होगा। इसीलिए जितने भी शुरुआत के प्रयास थे मगध पर हमले के, वह सारे के सारे प्रयास असफल रहे। और बाद में इस सलाह के बाद उसने पड़ोसी राज्यों को जीतने के बाद धनानंद को पराजित किया, हत्या कर दी और उसके बाद मौर्य वंश की नींव रखी। यह हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं अब कि इसके समय पर सिकंदर का हमला हुआ। तो वो पॉइंट जो है वो हमारे लिए ध्यान रखने वाला है कि सिकंदर कहां से आया था और सिकंदर के क्या क्या एग्जामों के अंदर क्वेश्चन है। तो सिकंदर जो था, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, अंग्रेजी में इसको अलेक्जेंडर कहते हैं और हिंदी में इसको सिकंदर कहते हैं, एशिया यूरोप में एक देश पड़ता है यूनान। अभी मैं आपको उसको ज्यादा क्लियर आपको होगा, यहां पर मैंने ये दिखा रखा है यूनान, यहां पर देखिए ऊपर से आते हुए दिखाई दिया होगा यूनान। इसी को क्या कहते हैं, यूनान को ग्रीस के नाम से भी जानते हैं। और बीच में सारे देश हैं,
सिकंदर ने जो हमला किया टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, नापाक, और वो कहां तक आया? वो आया ब्यास नदी तक। यहां पर पड़ती है ये नदी जिसे कहते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है? ब्यास नदी जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। यहां से सतलुज आती है ये। तो सिकंदर जो था, क्योंकि इतनी लंबी दूरी लंबे समय व्यतीत कर चुका था, 7 वर्ष हो चुके थे अपने घर को छोड़े हुए, इसीलिए सैनिकों का जो मन था वो भी अपने घर की याद में था। और साथ ही साथ ये जो क्षेत्र है, जो यहां पर मैंने ये दिखा रखा है, ये क्षेत्र था जहां पोरुष था, शक्तिशाली सम्राट पोरुष के साथ में जब युद्ध हुआ, उस भीषण युद्ध के अंदर जब लड़ाई देखी कि एक छोटे से राज्य के अंदर जब इतना भीषण युद्ध हुआ, तो संभवतः इसके सैनिकों का हौसला पस्त हो गया। और ये जो रेड कलर दिखा रखा है, ये सारा का सारा कौन सा क्षेत्र था? ये वो क्षेत्र था जो मगध राज्य का था, धनानंद के अधीन था। तो इतने बड़े विशाल क्षेत्र के स्वामी जो है धनानंद था। तो इसीलिए सिकंदर का जो सेनापति था कोइनस, उसने सलाह दी कि अगर हमने अभी सैनिकों के साथ में हमला किया मगध में, तो संभवतः सैनिक जो है पूरे मन से इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे और शायद हार का मुहूर्त देखना पड़े। इसीलिए सिकंदर ने ब्यास नदी, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, इस ब्यास नदी में विजय स्तंभ गाड़ने के बाद फिर वो वापसी कर दी उसने, जहां आगे चलकर उसकी मृत्यु होगी। कहां पर? बेबीलोन कहते थे इराक के हिस्से को, जहां उसकी मृत्यु होगी। कौन से वर्ष में? 323 के अंदर उसकी मृत्यु होगी। यहां पर देखेंगे तो यहां 323, क्लियर है? भौगोलिक नक्शे के से शायद आपको चीजें ज्यादा आसान भी लगेंगी और समझ में भी लंबे समय तक रहेंगी। अब एक एक करके पॉइंट देखते हैं, जिन पॉइंट्स का मैंने यहां पर जिक्र किया है, कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए याद रखने। यहां देखते हैं, फिलिप द्वितीय का पुत्र था, यानी कि इसके पिता जो थे वो यूनान के उस क्षेत्र के शासक थे, और उसी को यूनान का वो हिस्सा जहां पर सिकंदर का जन्म हुआ उसे क्या कहते थे? उसका नाम था मकदूनिया, इसीलिए यहां लिखा है मकदूनिया यहां पर। और जब इसने हमला किया भारत के ऊपर, तो उस समय तक्षशिला का राजा था अंबी। अब राजा अंबी और पोरस दोनों के बीच में जो है वो निकटवर्ती राज्य होने के कारण दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति थी। इसीलिए राजा अंबी ने जब हमला किया सिकंदर ने पोरस के ऊपर, यानी कि कश्मीर में ये जो क्षेत्र पड़ेगा, यहां क्षेत्र पड़ेगा, अब मैं यहां पर देख लीजिए आप, ये है, ये जो क्षेत्र है यहां पर तो है कौन? यहां पर तो है पोरस। और तक्षशिला कहां पर पड़ता है? ये क्षेत्र हो गया तक्षशिला। तो जब सिकंदर ने हमला किया पश्चिम से और उसने इन क्षेत्रों को विजित कर लिया, तो अंबी जो यहां का शासक था और पोरस दोनों के बीच में क्योंकि तनाव था, इसलिए राजा अंबी ने सिकंदर की मदद करी पोरस के साथ युद्ध में। और ये कहानी का हिस्सा है कि पोरस जो था एक बहादुर राजा था, इसीलिए जब उसको बेड़ियों में बांधकर सिकंदर के सामने ले जाया गया और सिकंदर ने पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने कहा कि जैसा एक राजा के साथ करता है। तो संभवतः इसी बहादुरी के वचन सुनने के बाद सिकंदर ने उसको राजपाट सौंप दिया और उसे उसकी मदद से उसने फिर मगध के साथ युद्ध की तैयारियां शुरू करी। सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कहां पर हुआ था? झेलम नदी पर। और झेलम नदी को उस समय उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हाइडेस्पस नदी का नाम दिया। ये क्वेश्चन राजा पोरस का मैंने किस्सा बता ही दिया। उसके बाद उत्तर भारत में जो युद्ध होने वाला था किसके साथ होने वाला था? धनानंद के साथ। ये पॉइंट मैंने दे दिया। और किसकी सलाह पर उसने वापसी करने का निर्णय लिया? मैंने ये भी बताया था, सेनापति कोइनस ने परिस्थितियों से जब सिकंदर को अवगत कराया, तो इस सलाह को सिकंदर ने स्वीकार करा और उसने निर्णय लिया कि युद्ध करने के बजाय वापसी करने का।
इसके अलावा यहाँ पर जो पॉइंट है कि सिकंदर ने कई नगरों की स्थापना करी और वो नगर जो है किसके नाम पर रखे, एक तो उसके घोड़े का नाम जिसका नाम है बुकफेल यहाँ पर, और साथ ही साथ एक और है अलेक्जेंड्रिया, आज मिस्र या इजिप्ट के अंदर एक बंदरगाह शहर है जिसको कहते हैं अलेक्जेंड्रिया, और माना जाता है कि सिकंदर महान की जो कब्र है वो यहाँ पर ही स्थित है। इसकी मृत्यु का भी इम्पोर्टेंट सवाल है, 323 ईसा पूर्व में कहाँ पर, बेबीलोन में, लेकिन अब उसकी कब्र जो है मिस्र में बताई जा रही है, ऐसा कैसे हुआ इसके बारे में कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है। मृत्यु यहाँ पर हुई और कब्र बताया गया कि जो बहुत कई सौ किलोमीटर दूर का देश है मिस्र, वहाँ पर इसकी कब्र है, यहाँ बताया मकबरा अलेक्जेंड्रिया में। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, अरस्तु, इंग्लिश में इसको अरिस्टोटल ये लिखा होता है ना, ये लिखते हैं अरिस्टोटल, और अरस्तु जो है इसे दो चीज का जनक माना जाता है, किन किन का, अरस्तु को जो जनक माना जाता है वो माना जाता है एक तो राजनीति शास्त्र का, और एक माना जाता है किस चीज का, एक माना जाता है जीव विज्ञान, यानी कि ये हमने स्टैटिक जी के मान लीजिए अरस्तु के बारे में। इंग्लिश में क्या लिखा होता था, इस लिखा होता है, क्लियर हो गया। इसके अलावा जो पॉइंट है यहां पर, ये क्वेश्चन जो आया हुआ सिकंदर के गुरु का नाम और अरस्तु के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु का नाम प्लूटो, प्लूटो का नाम सुकरात, ये क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में आया। फिर दे दिया सिकंदर की सफलता के प्रमुख कारण क्या थे, तो सिकंदर की सफलता के जो प्रमुख कारण थे वो ये थे कि एक तो भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, यानी कि जब पोरस के साथ युद्ध हुआ तो अंबी ने सिकंदर की मदद करी, ना कि भारतीय राजा पोरस की। इसके अलावा बेहतर फौज, क्योंकि यूनानी लोग जो थे उस समय पर अलग अलग जगह पर लड़ने के कारण इन्होंने बेहतर युद्ध कौशल में पारंगत हो गए थे, जिसकी वजह से इनकी फौज संरचना जो है वो भारतीय शासकों की तुलना में बेहतर थी, और देशद्रोही शासकों से सहायता, इन सब के कारण जो है ये सफल रहे। आज का लेक्चर मैं कंप्लीट करता हूँ, इसके बाद हमारा जो होगा वो मौर्य वंश के बारे में शुरुआत करूँगा, वो पूरा ही टॉपिक बहुत लंबा है तो उसको अलग लेक्चर में लूँगा, और आप लोगों ने मेरा वीडियो और लेक्चर सुना और देखा इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और मेरा आग्रह है आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए, साथ ही साथ इसमें इसको लाइक कर सकते हैं तो लाइक भी कीजिए, धन्यवाद।